बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। इस मंथ में भी देखें एक डोजी फॉर्म हुआ है। इससे पहले भी देखें इस मंथ में एक डोजी फॉर्म हुआ था। वॉल्यूम इसमें तकरीबन 3.9 बिलियन का हुआ था और इस मंथ में जो है 3.37 बिलियन, मतलब वॉल्यूम भी सेम है तकरीबन, और यहाँ पे कैंडल भी आपको अपसाइड डाउन साइड भी तकरीबन आपको सेम ही नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ था जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक और डोजी फॉर्म हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे अभी इनडिसाइसिव चल रहा है, मतलब यहाँ पे डाउन साइड भी अभी ज्यादा नहीं है। अगर अगर इस महीने में देखें तो इसका लो था 76,900 का और हाई किया इसने 79,173, जबकि सीपीआर का लेवल है वो तकरीबन जो मिडिल बैंड है 79,235। तो इसके ऊपर जरूर अभी सस्टेन करना बहुत जरूरी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो इसको अगर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो लेवल जो है, एक तो ये बीच में हर्डल आएगा 81, यहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ जहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की थी। एक तो ये हर्डल आएगा, ठीक है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। और फिर ये जो अपर बैंड है सीपीआर का, ये इसको रीटेस्ट कर सकता है 84,750, 85,000, ये सब इस पे फ्लक्चुएशन आती है 200-300 पॉइंट की। तो बहरहाल अभी इस वक्त तो देखें तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब मैं जिस तरह मैं प्लॉट करता हूँ एम ए फाइव एक तरह से एक देख रहे हैं ट्रेंड लाइन की तरह इसको ये एक्ट करता है, ट्रेंड लाइन की तरह ही एक्ट करता है। देखें यहाँ से ये यहाँ पे भी साइडवेज, फिर ये इसके भी ऊपर नीचे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे ये एम ए फाइव के नीचे परफॉर्म करता हुआ ये इंडेक्स जो है ऊपर की जानब हमने देखा, ये इसने अच्छी खासी रैली बनाई। अच्छा, अभी भी यहाँ देखें इसको मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। अगर अच्छा ही मैं आपको अभी बता दूं कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी काम करता है, लेकिन ज्यादा इसकी एक्यूरेसी जो है वो वीकली पे और मंथली पे आती है, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे इसको रिस्पेक्टिवली इसी के जो है इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लो आता है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ वीक बनती है। जैसे फॉर सपोज अगर हम यहाँ देखें एम ए फाइव का ये सपोर्ट ही 60,292 था और इसने यहाँ पे जो लो किया था 59,191 का, यहाँ वीक बनी लेकिन क्लोजिंग जो है यहाँ पर आई, इसकी क्लोजिंग अपर साइड पे आई 64,568 के करीब। फिर इसी तरह ये इंडेक्स जो इसी तरह परफॉर्म कर रहा है। अभी जो इस वक्त देखें मंथली पे, यहाँ इस पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ मैं। मंथली पे जो है इसका जो सपोर्ट है 76,376 का है, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। 76,380, 76,376 ये जो है ये एक सपोर्ट लेवल है। तो वापस जो अपार्ट फ्रॉम सीपीआर लेवल हमें बीच के भी कुछ लेवल्स मिल गए हैं कि इसके ऊपर जो समझे ब्रेकआउट है और एक ब्रेक डाउन है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये अगेन नेक्स्ट जो है 73,600, ठीक है, इसको ये फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये बन जाएगा। यहाँ से विक बनती है और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है एटलीस्ट 76,300, 400, 500, तो फिर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग 73,600 से नीचे आई तो फिर ये मजीद और नीचे आ सकता है। तो अभी तो इस वक्त देखें साइडवेज है और साइड, अभी मैंने आपको पहले भी सोशल मीडिया भी बताया था कि रिजल्ट सीजन जो है वो खत्म होने को आ रहा है और थोड़ा सा करेक्शन ऑब्वियसली ड्यू है। आरएसआई देखें तो इसमें आरएसआई 84 पर है, आरएसआई बहुत ओवरबॉट है, तो आरएसआई भी काफी हैवी हुआ है इस वक्त। और वीकली पे भी, वीकली पे पहले नजर डालने से पहले थोड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं, उसके नीचे ना इतना फ्लक्चुएशन होना और फिर ज्यादा नीचे ना, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि जुलाई में देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10389 था बिलियन रुपीज, ठीक है, 10,389 अरब रुपए था, और अगस्त में जो है बढ़ के 10,485 अरब रुपए। तो एक ये मतलब अच्छी वजह यही है इसकी मार्केट ज्यादा नीचे आने की, ना नीचे आने की, कि यहाँ पे अभी मार्केट में कैपिटलाइजेशन मेंटेन किया हुआ है। और जो एक वक्त ऐसा भी आया था कि 10.5 ट्रिलियन जो टारगेट था 10,500 बिलियन रुपीज का, वो ड्यूरिंग द वीक ये इसको अचीव कर चुका है और अभी इसी के दरमियान ही चल रहा है। तो जहां तक वीक की बात, पहले तो मंथ की बता दूं, मंथ में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसमें 96 अरब रुपए का हमने इसमें इंक्रीज देखा है
और वीक ऑन वीक बेसिस में भी इजाफा देखा है हमने। वीक ऑन वीक बेसिस पे 87 बिलियन रुपीस का हमने इसमें इंक्रीज देखा है। तो अभी इस वक्त देखें वीकली के हिसाब से भी इसको हम चले देख लेते हैं। अच्छा वीकली में देखें थोड़ा नजर डालें हम, तो देखें ये कि साइडवेज ही हमको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें एग्जैक्टली यहाँ पे इसका जो है रिजेक्शन देखा, इस रिजेक्शन के बाद इसको रिटेस्ट भी नहीं किया है कि भाई डबल टॉप बन जाए या कोई ट्यूजर टॉप बन जाए, इसने बिल्कुल ये हैवी रिजेक्शन दिखाई है। और इसका मतलब ये कि इसके बाद से जो है इस लेवल पे या इस लेवल पे कह रहे हैं 80,700 या इवन ये वाला अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है जो ब्रीच किया था इसको, मतलब इसकी कंफर्मेशन हुई थी। तो जब भी मैं आपको बता दूं एक डोजी बनता है तो इसकी कंफर्मेशन या निगेशन जरूरी होती है फॉर फर्दर अपसाइड और फर्दर डाउनसाइड। तो इसने अभी इसको कंफर्म किया है इस डोजी को यहाँ पे, और इस ठीक है। अब जब जैसे ही इसने इसको तोड़ा है, मैं आपको बता दूं ये वाला लेवल, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला इसने लेवल जब से तोड़ा ये वाला, इसको अभी तक इसने रिटेस्ट नहीं किया है। 80,000 के करीब जो लेवल है इसको भी रिटेस्ट नहीं किया है, और बल्कि ये समझे ये जो लोअर बैंड है ये मिडिल बैंड है इसको एक दफा इसने यहाँ रिटेस्ट किया है। इसका हाई बना था तकरीबन ये था 29 जुलाई का, ये तकरीबन एंड ऑफ जुलाई था जिसका मैंने अभी आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया कि इंक्रीज देखा है हमने उसके मुकाबले में, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हुआ था। तो अभी सूरत हाल ये है कि इसमें जो हाई क्या था वो तकरीबन 79,327, ये हाई क्या था। इसके बाद ये हाई दोबारा रिटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जाती रही, यहाँ पे अभी भी देखें तो इससे लास्ट वीक में इससे पहले वाली वीक में उसमें हाई क्या था 79,173, 200 का 300 का फिगर आया ही नहीं है इसमें। और यहाँ पे इस वक्त देखें इसको जैसे मैंने आपको बताया था ना हायर टाइम फ्रेम पे काम करता, तो यहाँ पे देखें इसको ब्रीच किया, फिर इसको निगेट किया, फिर बुलिश कैंडल ने, फिर आई अपसाइड मूवमेंट दिखाया इंडेक्स ने। अब यहाँ पे थोड़ी सूरत हाल ऐसी हो गई कि देखें यहाँ से ये इसने टर्न ले लिया है, ठीक है। यहाँ से ये मुड़ गया है, पहले देखें आप मैं आपको बता दूं थोड़ा बैक टेस्ट इसका हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ यहाँ से इसने टर्न लिया था, जैसा पहले भी टर्न लिया था, यहाँ टर्न लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल, फिर यहाँ से ये अपसाइड ये मूवमेंट दिखा रहा है। अभी भी इसी तरह यही सूरत हाल नजर आ रही है, ये जो ये सूरत हाल है वो यहाँ पर नजर आ रही है कि इसने टर्न लिया है। हो सकता है कि इसी के जैसे मैंने बताया अभी मार्केट साइडवेज ही लग रही है, हम वीक में भी इसका रिफ्लेक्शन, वीक का रिफ्लेक्शन जो है जैसे डेज का वीक पे और वीक का रिफ्लेक्शन मंथ में नजर आता है, तो मंथ में भी इसी वजह से एक डोजी फॉर्म हुआ है। इतने डोजीज यहाँ पे फॉर्म हुए हैं वीक में, पूरे महीने डोजीज बनते रहे, इसलिए हम मंथ में भी एक ये डोजी बनता हुआ देख रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है मेरे हिसाब से तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होता तो थोड़ा वेट करें, और वैसे भी जो इंडिविजुअल स्टॉक है उनमें आप फोकस करें जिनका आरएसआई, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहता रहा हूँ कि जिनका आरएसआई काफी लो है उन पे फोकस करें। नीचे अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है उनमें आप फोकस करें। फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा है, उसको आप देखें नीचे उसकी ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है फर्टिलाइजर सेक्टर की, तो उनमें से कोई अच्छे डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक है उनको आप देखें। पावर सेक्टर में अभी इस पर थोड़ा मैंने जैसे आपको बताया आईपीपीस की हवाले से जो खबरें चल रही हैं तो वो थोड़ा भी लाइमलाइट में, तो पावर सेक्टर वैसे अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा है। छोटे पावर सेक्टर में लाल पीर पावर है, निषाद पावर है, निषाद चुनिया पावर है, इनको आप देख सकते हैं। एचपीडब्ल्यूएल ने भी डिविडेंड दिया है, सैफ पावर ने, तो ये छोटे में है। बड़े में आप हपको देख लें, हपको की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम आईपीपी ये एक कॉन्ग्लोमरेट बनने जा रहा है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ मतलब इसकी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है इन्वेस्टमेंट की। अभी जैसे ऑटो में किया है इसने, बीवाईडी में इसने मेगा मोटर के साथ जो है इसने कोलेबोरेशन के साथ जो है काम शुरू किया, इन्वेस्टमेंट की है उसमें। तो आगे जाके भी अब मजीद और हो सकता है और खबरें आए इसकी मजीद इन्वेस्टमेंट की, तो ये अगला नेक्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन सकता है लाइक एंग्रो लकी। तो इसको आप देख सकते हैं, आपको को डाउन साइड पे बहुत अच्छा है, काफी ऑयल सेक्टर में बहुत अच्छे हैं स्पेशली इसमें एक्सप्लोरेशन में, उनकी आपकी खबरें आपको मिलती रहती हैं वक्तन फवक्तन। आप मटेरियल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं और आपको मेन स्ट्रीम में भी और सोशल मीडिया पे भी इसके हवाले से खबरें आ जाती हैं, मिल जाती हैं, जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं तो उनको आप फोकस कर सकते हैं। तो जैसे ऑटो सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये उसी का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है ऑटो सेक्टर का ही। तो ऑटो सेक्टर इस वक्त काफी हाईली ओवरबॉट है, थोड़ा सा इसमें वेट करें, नीचे डाउन साइड का वेट करें। और सीमेंट सेक्टर में भी ऑल्दो जैसा देखा गया था कि
मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो रेट कट हुआ था, तो लेकिन उसका ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए देखने में नहीं आया कि साथ ही साथ कोल की प्राइस भी बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो इस वजह से वो उस रैली को ये मिस कर गया सीमेंट सेक्टर। बहरहाल अभी हम आते हैं थोड़ा सा वीकली पे नजर डाल लेते हैं। वीकली पे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये 87 बिलियन यहाँ पे भी हमने इंक्रीज होता हुआ देखा है वीक ऑन इन बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये एक अच्छी उम्मीद है, अभी एक होप है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बहरहाल जैसे मैंने बताया आपको, जैसे वीक में भी आपको बता दूं, वीक में भी 66 पे है, तो ये भी ओवरबॉट कहलाएगा वीकली चार्ट पे भी। और एक नजर हम जरा डेली पे भी डाल लेते हैं। अच्छा डेली पे अगर हम देखें तो इस वक्त 52 पर है, तो थोड़ा सा इतना हाईली ओवरबॉट नहीं है लेकिन हल्का सा ये ओवरबॉट इसमें नजर आ रहा है। अच्छा इसमें भी देखें MA5, सॉरी इसमें हम देखें MA5, अच्छा इसमें भी देखें डोजी बनाए, यहाँ पे भी एक डोजी फॉर्म हुआ है वीकली पे मंथली पे, तो इट मींस के एमएस यहाँ पे अपर साइड पे यही यहाँ इसी लेवल पे ही हम सेलिंग देख रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो आप भी इसी लेवल पे अगर आती है मार्केट इंडेक्स आता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ देखें यहाँ से शिप प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है 78,864 से लेके और फिर यहाँ तक जो है 79,900 तक जो है ये यहाँ पर ये सेलिंग ही है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आ रही है अभी फिलहाल इस वक्त। ठीक है जब तक ये कम से कम 80,000, मैंने पहले भी कहा था 80,000 या कम से कम भी जो मिडिल बैंड है 79,200, आप इसको राउंड फिगर में 79,300 जब तक इसको सस्टेन नहीं करता है तब तक आपने कोई लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। और बाकी जो जो स्टॉक हैं जिनके अभी अनाउंसमेंट आना बाकी है उनमें आप जो है काम कर सकते हैं, ट्रेड करें। स्ट्रेटेजी यही होगी बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, काफी अच्छी वॉलेटाइल आइटम आपके पास मिलती हैं जिसमें एयर लिंक है और ऑक्टोपस है और गंदारा ऑटोमोबाइल है, गंदारा इंडस्ट्री है, तो इनमें फ्लक्चुएशन आती है, तो आप इसमें एंट्री लेके आप एग्जिट हो जाए फॉरन डे ट्रेड कर अगर आपको करना है तो उसके लिए ये बेस्ट आइटम्स हैं, इनमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा अब डेली पे हम अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा एक हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो डेली पे हमें फ्लक्चुएशन नजर आई थोड़ी सी तो उसको हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना यहाँ से हम एक एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और ये यहाँ पे लेंगे इसकी बॉडी तक। ठीक है ये जो येलो है ना इसकी बॉडी तक लेंगे और इसी तरह हम यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन लेंगे, यहीं से लेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है तो ये हम इसको यहाँ पे ले लेंगे इसकी बॉडी को, ये बॉडी और ये बॉडी मिलाएंगे, ये इसकी बॉडी इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ ओपनिंग थी, इसकी बॉडी यहाँ पे कहलाएगी क्योंकि क्लोजिंग ये आई है। ये जो ब्लू कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है और बेरिश कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है और बुलिश कैंडल की क्लोजिंग वो हमेशा ऊपर होती है। ये इसकी बुलिश कैंडल है, इसकी क्लोजिंग यहाँ कहलाएगी और जैसे कि बेरिश कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ कहलाएगी, तो हम यहाँ की क्लोजिंग लेंगे। ठीक है ये क्लोजिंग ली, ये क्लोजिंग ली। अब आप यहाँ पे देखें आपको साफ नजर आ जाएगा इस वक्त जो है ये इसी चैनल पे मूव कर रहा है, इसी चैनल को ये समझे रिस्पेक्टिवली इसी के चल रहे हैं और अप डाउन अप डाउन। अगर आप इलियट वे पे अगर देखते हैं तो ए बी सी डी ई, अब ये ई के बाद एफ में एफ कब देगा या नीचे फिर ये जी का जो है ब्रेक डाउन मिलेगा ये डिसाइड करेगा सीपीआर का लेवल। ठीक है ये बढ़ते 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 देखें सीपीआर के लेवल तक आएगा इंडेक्स, फिर इसके बाद डिसाइड होगा कि इसका ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है, वापिस नीचे आता है और इसको इसको तोड़ता है इंडेक्स तकरीबन समझे ये लेवल बनता है। अगर आपको डेली के हिसाब से बता दूं तो ये 78,162 का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो तकरीबन यहाँ पे बन रही है 78,000 के करीब समझ लें, 78,100 या 78,000 यहाँ पे इसकी जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है। इसके नीचे अगेन जिस तरह एक बेरिश कैंडल बनती है तो उसको देखना है आपके इसकी नेक्स्ट कैंडल इसकी इसको कंफर्म करती है या कोई बुलिश कैंडल अगेन इसको कोई निगेट करती है, तो इस पे फिर आपने देखना है कि प्रॉफिट। बहरहाल यहाँ पे इसको तोड़ता है तो थोड़ा सा यहाँ पे मोहतात रह के काम करें, एंट्री लॉन्ग एंट्री ना लें अभी इस पे। तो जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए हुए ना उसी पे आप थोड़ा सा लॉन्ग एंट्री लें, जैसे इस लेवल पे आते इस लेवल पे लें विद स्टॉप लॉस, हमेशा याद रखें स्टॉप लॉस रख के काम करें और लोअर साइड पे डिप पे बाय करें। ठीक है ना अभी इंडेक्स का जैसे मैं आपको लोअर साइड बता रहा हूँ 78,000 78,100 तो यहाँ लें। ठीक है और इसी के नीचे का बल्कि आप इसके नीचे का ये जो उसके विक बनाई सॉरी यहाँ पे देखिए विक बनाई थी ना ये
इसके नीचे का स्टॉप लॉस दे दें 77,500 का, ठीक है ना। इसका लो था तकरीबन 77,460 का, ये वाला 77,500, 77,460, ठीक है। ये इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर ये मजीद अब डाउन साइड परफॉर्म कर सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगला लेवल जो है मंथली बेस पे 76,381 भी हो सकता है। और अपर साइड का मैंने आपको बता दिया कि भाई अपर साइड में ये होगा 80,000 का, अगर ब्रेक मिलता है 79,900 का तो फिर ये 81,800 ये एक्सपोज हो जाएगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद जो है 84,785,000 ये भी एक्सपोज हो जाएगा। इसकी एक मैंने जो है वो शॉर्ट बनाया था, वो मैंने अपलोड किया है, तो वो आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे। आई थिंक मैंने उसमें मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैंने इसको अपलोड किया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो बहरहाल अभी इस वक्त जो है इसी चैनल पे रह के आप देखें, जैसे डोजी बनाए तो फिर ये इस लेवल का इंतजार करें बाई के लिए। 78,000 का लेवल यहाँ पे आप बाई करें विद स्टॉप लॉस होगा आपका 77,400-75,500, ठीक है। और फिर अपसाइड पे फिर आप इसको ये 79,200 तक ये सेलिंग एरिया है, इवन 79,900 भी सेलिंग एरिया है। यहाँ पे जैसे कोई बड़ी वीक बन सकती है, कई दफा ऐसा हुआ जैसे छोटी वीक बहुत बड़े लेवल पे बनती है, 400-500 के लेवल पे बनती है, तो इसी तरह भी ये कोई बड़ी वीक यहाँ तक भी बन सकती है, तो ये भी सेलिंग एरिया ही है, प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।